वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सर मेरा नाम है कीर्ति। आज हम बात करने वाले हैं ESIC में वैकेंसी निकली है, तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपके कभी भी नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो मिस ना हो पाए और ना ही कोई भी क्लास मिस हो पाए। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हैं प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली हैं, परमानेंट वैकेंसी नहीं है ESIC की। और जो आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी मेडिकल कॉलेज PGIMSR मॉडल हॉस्पिटल राजाजी नगर बेंगलोर। तो वैकेंसी कर्नाटक बेंगलोर के लिए निकली है। यहाँ पर बताया हुआ है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, बट जो वैकेंसी है ESIC के थ्रू निकाली गई है, तो यहाँ पर सैलरी आपको बहुत अच्छी दी जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी होती है उसी को मैच करते हुए। तो नोटिफिकेशन 15 फरवरी को रिलीज़ किया गया था। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है आपका, और यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा। उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सटेंड किया जाए। तो यहाँ पर 22 प्रिंसिपल कम प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, जिसमें 12 ईयर आपके पास MSc नर्सिंग होना कंपलसरी मांगा है, और PhD हो तो भी चले डिजायरेबल के तौर पर रखा गया है। तो 22 प्रिंसिपल कम प्रोफेसर के लिए जो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसमें MSc में आपका एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस हो, टीचिंग के लिए जिसमें से आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी रखा गया है। शुड हैव एक्टिव एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई तो सभी लोग कर सकते हैं, बट ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको टाइम दिया जाएगा कि अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल के लिए ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि यहाँ पर जो ESIC के थ्रू पोस्टिंग निकाली गई है, बट आपकी पोस्टिंग होनी है तो ESIC में नहीं होनी है, बल्कि PGIMR एवं मॉडल हॉस्पिटल है जो बेंगलोर का, उसमें पोस्टिंग होगी, बट वैकेंसी ESIC में निकाली है। पे किया जाएगा आपको 75,000 रुपये पर मंथ। एज है 69 ईयर, और लास्ट डेट तक है जो यहाँ पर डेट एज बताई हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर में भी एक पोस्ट है, इसमें भी MSc नर्सिंग मांगी है, 8 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। PhD डिजायरेबल रखी गई, इसमें भी सेम एज लिमिट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम एज लिमिट है, यहाँ पर सैलरी में बस थोड़ा सा है जो इधर उधर किया गया है। जो ट्यूटर की पोस्ट है, तो ट्यूटर के लिए 10 वैकेंसी हैं, जिसमें आपके पास MSc नर्सिंग हो या फिर BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो इतना एक्सपीरियंस सभी के पास हो जाता है। एंड एज लिमिट 35 ईयर है। यहाँ पर पे किया जाएगा आपको 45,000 पर मंथ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग अप्लाई ज़रूर करें। मैं यहाँ पे बता दूँ, ये पोस्ट GNM वालों के लिए नहीं है, ओनली BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc वालों के लिए। ट्यूटर की पोस्ट में BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लेते हैं हम। रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू विल बी डन ओनली 2/3/2022 वेडनेसडे। दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन है जो वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो रजिस्ट्रेशन आपका 2 मार्च 2022 से होगा, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। 10:30 बजे के बाद है जो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डिटेल ऑल ओवर सभी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ आपका है जो सभी चीज़ें 2 मार्च 2022 को ही होनी है, उसी दिन आपका इंटरव्यू, उसी दिन रजिस्ट्रेशन है। बट आपको टाइमिंग थोड़ा सा नोट करके रखनी है। एंड यहाँ पे साफ साफ कहा गया डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो 2 मार्च 2022 को ही 10:30 to 4 PM तक इंटरव्यू होगा। एंड यहाँ पर कहा गया है इफ़ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर मोर देन 40, इंटरव्यू विल बी एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट डे। यदि 40 से ज़्यादा कैंडिडेट एक दिन में इंटरव्यू देते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद, यदि और भी लोग बचेंगे तो उनका इंटरव्यू 3 मार्च को भी कंडक्ट है जो करवाया जा सकता है। अपॉइंटमेंट शैल बी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देन आफ्टर यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और यहाँ पर आप परमानेंट के लिए कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ साफ साफ बता दी है कि आपका ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, तो ऑल ओवर थिंग्स मैं बता दूँ आपके लिए,
वेन्यू क्या रहेगा, एकेडमिक ब्लॉक ESIC मेडिकल कॉलेज PGIMSR एंड मॉडल हॉस्पिटल राजा जी नगर बेंगलोर 560010। तो एड्रेस है जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। नोटिफिकेशन है जो इसकी PDF आपको ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर यदि आपका किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे साफ कहा है एक्टिव एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यदि आप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन के पहले आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं देन आफ्टर आपको टाइम दिया जाएगा, 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन क्या करवा लेना है, ट्रांसफ़र करवा लेना है। और जो भी लोग अप्लाई करने वाले हों वो ये सभी चीज़ें एक बार रीड आउट कर लें, देन आफ्टर आप अपना फॉर्म का जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये यहाँ पर फिलअप करके उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन होना है, तो आप ये सभी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और यदि कोई भी डाउट्स हो तो आप ESIC की जो ऑफिशियल मेल ID रहती है, ईमेल ID यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और तब भी कोई डाउट हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो गई है तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, मेडिकल एंड नर्सेस सबके नाम से ही आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जो कि आपके ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू।